हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम घर के अंदर अर्थिंग का कनेक्शन करने वाले हैं और ये हम करेंगे अर्थिंग बना के, घर के अंदर अर्थिंग बना के हम यहाँ पर ये कनेक्शन करने वाले हैं अर्थिंग के सभी पॉइंटों के अंदर, जो घर के अंदर सारे पॉइंट होते हैं अर्थिंग वाले उनके अंदर। तो इससे क्या क्या बेनिफिट है ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यार, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये गड्ढा जो करना है ये लगभग 6-7 फीट का करना है और अभी ये फ़िलहाल 5.5 फीट का हुआ है। फिलहाल थोड़ा सा गड्ढा और कर लेता हूँ यार, थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मच्छर खूब है यार गड्ढे में। तो फ्रेंड्स, इस गड्ढे के अंदर अर्थिंग करने के लिए हमें कॉपर प्लेट के साथ साथ मोटा कॉपर वायर भी चाहिए, यानी तांबे का वायर और तांबे की प्लेट। साथ ही फ्रेंड्स, इसके अलावा हमें चाहिए कोयला और नमक और एक प्लास्टिक का पाइप। तो ये सारी चीज़ें हमें किस तरह से काम में लेनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। फ़िलहाल हमने गड्ढा कर लिया है जैसा कि मैंने आपको बताया, 6.5 फीट का, तो सफिशियंट है फ्रेंड्स यहाँ पर ये। और हमें यहाँ पर जो सामने दीवार आपको दिख रही है यहाँ पर हमें करना है छेद। तो फिलहाल ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये 9 इंच की है, तो इसके अंदर हम इजीली छेद कर लेंगे क्योंकि उस पार हमें यहाँ पर अर्थिंग का वायर भी लेना है। तो यहाँ पर ये जो पूरा मकान है इसके अंदर ये अर्थिंग का कनेक्शन हमें करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो कॉपर प्लेट है ये देखिए, और इसके साथ में आया है ये वायर, कॉपर वायर, और इसको हमें इसके साथ में अटैच करना है। ये जो कॉपर प्लेट है 1.25 किलो से ज़्यादा वज़न की है और ये 1x1 फिट की है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वायर आप देख रहे हैं ये लगभग 5 mm का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों चीज़ हमें उस गड्ढे के अंदर अर्थिंग के लिए लगानी है। तो सबसे पहले मैं इस वायर को इस प्लेट के साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके साथ में नट बोल्ट भी आया है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बीच के अंदर छेद निकाल लेते हैं ड्रिल मशीन के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने होल कर लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो प्लेट है इसकी जो थिकनेस है वो 3 mm की है, तो 3 mm की ये प्लेट और 1.25 किलो से ज़्यादा वजन की इस पूरे घर के अर्थिंग के लिए काफ़ी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं वायर के साथ में, इस प्लेट को कनेक्ट कर लेते हैं नट बोल्ट लगा के। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, ये जो वायर है और ये जो कॉपर प्लेट है, कॉपर प्लेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें कितना वज़न है और कितनी थिकनेस है। और यहाँ पर ये जो वायर है ये मैंने 10 फीट का लिया था, 5 mm का। तो इनकी जो टोटल प्राइस है फ्रेंड्स लगभग 2000 रुपये की है। तो चलिए अब हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक बार कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं कॉपर प्लेट और इस वायर के बीच में। तो ये देखिए, इस तरीके से हम कनेक्टिविटी चेक कर लेंगे तो अच्छे से यहाँ पर कनेक्टिविटी आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कनेक्टिविटी भी देखना ज़रूरी था क्योंकि यार अगर यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं हो
तो बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है, इसलिए यहाँ पर हमने पहले से ही कनेक्टिविटी चेक कर ली है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक प्लास्टिक का पाइप भी ले लेते हैं, और ये पाइप मैं ले रहा हूँ 40 mm का। ये किस काम में आएगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल इस पाइप के साथ में मैं क्या करने वाला हूँ चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये PVC पाइप लिया है 40 mm का, और इसको लगाएंगे हम अर्थिंग प्लेट से 2 इंच ऊपर की तरफ। ये किस लिए लगाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल हमें इसको नाप लेता हूँ, वैसे तो मैंने तो नाप लिया, आपको बता देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल मैंने ये 7 फिट का कट कर लिया है, 6.5 फिट का ये गड्ढा है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पाइप के अंदर बीच के अंदर कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरीके से इसके अंदर बीच में कट करके खांचे बना देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस तरीके से ये खांचे बना दिए हैं कट करके, ठीक है। तो ये इसलिए बनाए हैं फ्रेंड्स क्योंकि हमें इस मिट्टी के अंदर नीचे की तरफ, वैसे तो नमी है काफ़ी नीचे खोद लिया है, लेकिन फिर भी कभी जैसे हमारा जो अर्थिंग है कमज़ोर पड़ जाए तो हम इस पाइप के द्वारा वहाँ पर पानी की पूर्ति कर सकते हैं, ऊपर से पानी इस पाइप के अंदर डाल के, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पानी रिसता हुआ नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर इस जगह भी मिट्टी को गीली करेगा, इस जगह भी मिट्टी को गीली करेगा, इस जगह भी, और नीचे तो करेगा ही करेगा, ठीक है, जहाँ पर हमारी प्लेट रहेगी वहाँ पर। तो नीचे से लेके और ऊपर तक मिट्टी में नमी रहेगी और हमारा जो अर्थिंग है बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो हमारा पाइप रहेगा इस प्लेट से इस तरीके से 2 इंच ऊपर की तरफ रहेगा, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो आराम से जा सके नीचे की तरफ। अगर ये इस तरीके से रहेगा तो इसका मुंह बंद हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इसलिए हमें ये 2 इंच ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम अर्थिंग की वायरिंग करने के लिए इस दीवार से छेद निकालेंगे ताकि हम अर्थिंग का कनेक्शन इस घर के अंदर कर सके। चलिए मैं आपको दीवार के उस पार बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसके अंदर छेद करेंगे। 9 इंच की यानी लगभग 1 फिट की यहाँ पर ये दीवार है लिपाई पुताई समेत, तो चलिए हम उस तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ड्रिल मशीन के आगे लगा लिया है इतना बड़ा सरिया, देख सकते हैं, और यहाँ पर हमने इसको आगे से इस तरह से कूट के नुकीला कर दिया है, और अब हम इस दीवार के अंदर छेद करेंगे इस तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वायर आप देख रहे हैं ये अंदर की तरफ से आ रहा है, जो अर्थिंग वाला पॉइंट है घर के अंदर, जितने भी अर्थिंग के पॉइंट है उसके अंदर से आ रहा है, और हम इसको ज़मीन के अंदर वाली अर्थिंग के अंदर कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने छेद कर लिया है, इस छेद के अंदर से हम इस वायर को इधर से डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इन 3-पिन सॉकेट्स के अंदर ये अर्थिंग है, इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अनुसार पेस होता है और ये न्यूट्रल होता है। और बता देता हूँ यहाँ पर ये देखिए 3-पिन सॉकेट है, तो यहाँ पर ये अर्थ हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने डायग्राम के अनुसार लिख भी रखा है कि ये न्यूट्रल है, ये पेस है, ये अर्थ है। अब देखिए फ्रेंड्स, अर्थिंग का कनेक्शन घर में करने से क्या क्या फायदा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे ही अर्थिंग को कनेक्ट किया जाएगा पूरे घर के अंदर अर्थिंग का कनेक्शन हो जाएगा, यानी इस पॉइंट के अंदर, यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर, पूरे घर के अंदर इन पॉइंटों के ऊपर यहाँ पर अर्थिंग का कनेक्शन आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर के अंदर फ्रेस है, कूलर है, गीजर है,
ऐसे जो उपकरण है जिनके अंदर कई बार हल्का फुल्का करंट आता रहता है, अपन जैसे ही हाथ लगाएंगे उसके अंदर करंट शो होगा, यानी करंट आता रहता है, जैसे हम हाथ लगाएंगे और वहां पर करंट आएगा। और कई बार जैसे चप्पल पहन लेते हैं तो करंट नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर अर्थिंग का कनेक्शन करने के बाद में आप चप्पल नहीं भी पहनोगे तो बिल्कुल भी करंट नहीं आएगा। अब दूसरा फायदा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपके घर के अंदर मान लीजिए पावर हाउस से न्यूट्रल का कनेक्शन है वो कट हो गया है, यानी जो न्यूट्रल की लाइन है वो कट हो गई है, पेस आ रहा है घर के अंदर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पेस आ रहा है, तो पेस आप टेस्टर के द्वारा यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि पेस आ रहा है न्यूट्रल नहीं आ रहा है। लेकिन आपके पास अर्थिंग का कनेक्शन है, यानी जमीन का जो अर्थिंग है वो आपके पास है, तो आप क्या करोगे, ये जो अर्थिंग है इसके साथ एक मोटा वायर लेके यहाँ पर कनेक्ट कर दोगे इस तरीके से, और यकीन मानिए फ्रेंड्स आपके पूरे घर की लाइट बिल्कुल आसानी से आ जाएगी। हाँ, लेकिन पेस आना जरूरी है, ठीक है। और दूसरा, ऐसे मान लीजिए कि कई जगह ऐसी होती है जहां पर न्यूट्रल बिल्कुल कमजोर होता है, ठीक है, और हम लोग गांव की भाषा में ऐसे बोलते हैं कि यार लाइट आगे से कम आ रही है, इसलिए ये जो बल्ब है थोड़ा डिम जल रहा है, थोड़ा कम जल रहा है, लेकिन वहां पर जो न्यूट्रल है वो कमजोर आ रहा है, इसलिए ऐसा होता है। अगर हमारे घर के अंदर जो जमीन वाला अर्थिंग है तो उसको हम जैसे ही ये जो अर्थिंग है इसका कनेक्शन इस न्यूट्रल के अंदर कर देंगे, वहां पर आपका जो न्यूट्रल कमजोर आ रहा था वो मजबूत आएगा, यानी फुल बिजली आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना सारा फायदा है यार इस अर्थिंग का कनेक्शन करने से। सबसे बड़ी बात, करंट नहीं आएगा, कमजोर न्यूट्रल मजबूत बन जाएगा, न्यूट्रल का कनेक्शन आगे से कट हो गया और आपके पास अर्थिंग का कनेक्शन है तो न्यूट्रल के अंदर आप उसको मिला के घर की फुल बिजली ला सकते हो, इतना सारा फायदा। और तो और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि लोग बोलते हैं कि यार अर्थिंग का कनेक्शन घर के अंदर इस तरीके से करने से जो मीटर है उसकी रीडिंग भी कम आती है, हालांकि मैंने ऐसे कोई टेस्ट नहीं किया है, हो सकता है ऐसा हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो कॉपर प्लेट है इसके साथ हमने वायर कनेक्ट कर ही दिया है, और अब हम यहाँ पर जो गड्ढा है इसके अंदर इस तरीके से सटा के रख देंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से रख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये जो वायर है इसको हम एक तरफ ले लेंगे, जो हमारा अर्थिंग वाला वायर आ रहा हुआ है अंदर की तरफ से, ये ग्रीन वाला, ठीक है, तो इस तरफ हम इसको ले लेंगे, अब देखिए ये जो पाइप है इसको हम इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पर, ये 2 इंच ऊपर रहेगा इस प्लेट से, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो नट बोल्ट है इसी के ऊपर मैंने एक कॉर्नर इसका रख दिया है इस तरीके से, ताकि हम इसको ऊपर से पकड़ सके जब हम इसके अंदर कोयला, नमक और मिट्टी डालेंगे तब, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे कोयला, उसके बाद नमक, फिर थोड़ी सी मिट्टी, फिर हम डालेंगे कोयला, फिर नमक, और फिर उसके बाद में मिट्टी डाल देंगे, और इसी के बीच में हम इसके अंदर बीच बीच में डालते रहेंगे पानी भी, ठीक है। तो चलिए मैं बाहर निकल जाता हूँ और यहाँ पर पाइप को हम पकड़ लेंगे और उसके बाद जो प्रोसेस मैंने बताया है हम करते चले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं बाहर आ जाता हूँ एक बार। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर डाल लेते हैं कोयला, तो अब हम एक बोरी नमक डाल देंगे। तो ये देखिए साबुत नमक है इस तरह का, और यही इसके अंदर काम में आता है। अब फ्रेंड्स हम इसके अंदर मिट्टी डालेंगे थोड़ी। तो फ्रेंड्स जिस तरह से ये मैं काम कर रहा हूँ, तो यार मैं खुद मीडियम परिवार से हूँ तो बिल्कुल आसानी से ये सब कुछ कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा पानी, उसके बाद में फिर से कोयला और फिर से नमक।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पाइप के अंदर से भी पानी डाल दिया है इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वापस से हम डालेंगे कोयला। और फिर एक बोरी नमक। अब डालते हैं हम इसके अंदर वापस से मिट्टी। अब वापस से डालेंगे हम फ्रेंड्स इसके अंदर पानी। तो यहाँ पर मिट्टी की नमी को बनाए रखना बहुत जरूरी है। और वैसे तो नीचे जितनी गहराई होती है मिट्टी की नमी बनी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस गड्ढे को पूरा मिट्टी से भर देते हैं और उसके बाद में मैं आप लोगों को यह अर्थिंग अच्छे से टेस्ट करके बताऊंगा। फ्रेंड्स, अर्थिंग के रिगार्डिंग आप लोगों के मन में भी कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पूरी मिट्टी डाल दी है और हमारा जो वायर है अर्थिंग का यहाँ पर इस तरीके से आया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, अब मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ कि हमारा जो ये अर्थिंग का कनेक्शन है ये कितना मजबूत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा अर्थिंग का वायर आ गया और ये देखिए, ये हमारे घर के अंदर से यहाँ पर मैं पावर लेके आया हूँ। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे पेस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पेस इस सॉकेट के अंदर आ रहा है और इसके अंदर आ रहा है न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रल है और इसके अंदर है पेस। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी क्या दिन का टाइम है तो आपको इसी तरीके से दिखाई दे रहा होगा थोड़ा धुंधला। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करवाता हूँ। तो मैं इसको 220 वोल्ट पे कर देता हूँ इस तरीके से, और ये हो गया इसका पेस और ये हो गया अर्थिंग। आप वोल्टेज देख सकते हैं फ्रेंड्स, 243 वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि 240 वोल्ट जो प्रॉपर वोल्टेज है वो हमारे आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कोई डिवाइस लगा के चेक करवाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 100 वाट का बल्ब ले लिया है और अब ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये हमने लगा दिया पेस में और ये हो गया हमारा अर्थ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना मजबूत हमारा अर्थिंग बना है। ठीक है, ये देखिए। तो इस तरीके से हमारा जो अर्थिंग है बहुत ही मजबूती के साथ बना है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल भी न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ से नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो अर्थिंग का कनेक्शन है ये जाएगा इसके अंदर यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो घर के अंदर से ये अर्थिंग वाला पॉइंट है कहीं पर भी कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर मैं इसको इसके अंदर इस तरीके से डालूँगा तो बल्ब जल रहा है। ठीक है, और इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं चल रहा। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने कनेक्शन नहीं किया है। तो चलिए अब हम अर्थिंग का कनेक्शन कर देते हैं और उसके बाद में इस पॉइंट के अंदर भी लाइट आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी हमारा अर्थिंग का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो हाँ, ये जो वायर है इसको मैं यहाँ पर ज़मीन के अंदर थोड़ा थोड़ा दबा के और उस ग्रीन वाले वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अर्थिंग का जो वायर है यहाँ पर आ गया है, और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ऐसे करंट आता हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए अब ये जो अर्थिंग वाला पॉइंट है जो कि हमने अंदर से निकाला था घर के अंदर से, इसको हम इसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर कोई भी करंट नहीं आएगा, और देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और अब हम इसको इस तरह से दीवार के पास में कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा कनेक्शन अंदर की तरफ गया हुआ है, ठीक है। और अब मैं आपको घर के अंदर ले जाके चेक करवाता हूँ कि अर्थिंग हमारा किस तरीके से आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको यहाँ पर अर्थिंग चेक करवाता हूँ, और ये देखिए हमारा ये बेस है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अनुसार, और ये न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, ये देखिए यहाँ पर मैं जैसे चेक करता हूँ यहाँ पर पेस नहीं आ रहा, और यहाँ पर ये देखिए पेस आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि पेस इधर होना चाहिए, लेकिन हमारे जो मिस्त्री लोग हैं जो इलेक्ट्रिकल की फिटिंग करते हैं, तो उनमें से कई लोगों को नहीं पता होता है कि पेस किधर लगाना होता है और न्यूट्रल किधर लगाना होता है। बस वो कनेक्शन कर जाते हैं मेरे पूरे घर के अंदर, यहाँ पर किसी के अंदर पेस इधर है और किसी के अंदर पेस इस साइड के अंदर है, तो उनको छोड़ते हैं फिलहाल, क्योंकि उनको तो मैं सही कर ही लूँगा। फिलहाल हम चेक करते हैं यहाँ पर अर्थ। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ये हो गया हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी फिलहाल ये पेस है वो गलत यहाँ पर कनेक्शन किया हुआ है, और ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो बल्ब है वो यहाँ पर भी जल रहा है, ठीक है। तो ये अर्थ पे जल रहा है इस तरीके से, और यहाँ पर भी जल रहा है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये अर्थिंग का कनेक्शन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप खुद भी अपने घर के अंदर इसका सेटअप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक भी पहुँचाइए शेयर करके, जिनके ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला है। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।